गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ ब्लॉगर मैडम। तो आज है दिवाली और मैं अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने वाली हूँ और इस्कॉन टेम्पल जाऊँगी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। बिकॉज हमारा हर बार का रिचुअल है कि हम दिवाली पे इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, दीपदान करते हैं, जो कि मैं कार्तिक मास के मंथ में जाती ही हूँ, रेगुलर जाती हूँ और वहाँ पे दीपदान करती हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही जाती हूँ। और तो अच्छा एक रूटीन बना हुआ है दिवाली पे कि दीपदान करना, और ये मंथ मेरे लिए बहुत मेरा फेवरेट मंथ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मंथ, क्योंकि इसमें हम एक तो हम साफ़ सफाई करते हैं घर की, भगवान का नाम लेते हैं, और ये सबसे पवित्र मंथ माना गया है कार्तिक का, जो मंथ होता है हमारा हिंदू कल्चर में। तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, मैंने इस बारी जम के घर पर सफाई करी है, घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस दिवाली में और आ रहा है ऑलरेडी अभी। सो लिटरली आई एम इन्जॉइंग दिस फेस्टिवल वेरी मच, बहुत ज़्यादा आज खुशी है क्योंकि ऑब्वियसली घर में राम आए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। राम का स्वागत, भगवान श्री राम का स्वागत आज हम करेंगे अपने घर में। आज हमने घर को बिल्कुल गुलशन सा सजा लिया है, बहुत ज़्यादा मन में उत्साह है, खुशी है बहुत ज़्यादा इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के, क्योंकि राम नाम ही अलग है, मतलब राम का जो राम से रिलेटेड कुछ भी हो वो बहुत पवित्र है और वो आपके मन को बहुत ज़्यादा मोहित करता है, बहुत खुशी मिलती है आपको और बहुत आपके मेंटल पीस मिलता है जब आप एक राम का नाम लेते हो। तो इस बारी बहुत ज़्यादा मैं स्पिरिचुअल हो गई हूँ, काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिवाली फेस्टिवल राम के नाम से बहुत ज़्यादा मैं जुड़ गई हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे बहुत शांति है। मैं तो अब चलते हैं इस्कॉन टेम्पल और वहाँ जाके दीपदान करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं दिवाली का त्यौहार कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मना रही हूँ। रुक रुक, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल और दर्शन हमने कर लिए हैं, और अब हम क्या खा रहे हैं, प्रसादम, छोले चावल बने हुए हैं, बहुत यम्मी होएंगे, अभी खाएंगे नहीं, खा के बताएंगे। गाइस मैं बता रही हूँ, मैं इनकी भूख लेके जाऊंगी रेसिपी, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। अगर आप वेज खाते हो ना बिल्कुल, तो आप बहुत टेस्टी खाना खाने यहाँ जरूर आए ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।